मेरे फिंगरप्रिंट्स की तुम्हें क्या जरूरत है? मैं किसी झंझट में फंस गया तो? सर, एक प्रिंट ही तो है, 600 करोड़ का सवाल है। We are being watched. क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था सब कुछ सेफ है, मेरी लड़की कहाँ से आ गई? सर आप जाइए। सर आइए, मैं इनको ले जाओ। कुछ नहीं होगा, कार में चलिए, शायद मीडिया से ले जाओ। आइए ना, आइए सर, आइए बैठिए। कौन है तू? जर्नलिस्ट है? बैग चेक करो इसके। इनकम टैक्स है। फोन में जीपीएस चेक कर इसके। जीपीएस है भाई? तो तोड़ दे। टेक हर। कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं मैं। डोंट वरी, मेरे आदमी बहुत शार्प हैं, उसे हैंडल कर लेंगे। ए, अपना नाम बता, किसने भेजा तुझे? मिनिस्टर का पीछा क्यों कर रही थी? गूंगी बहरी है क्या? ए छोरे, हम धमकाते वमकाते नहीं है। तेरे जिस्म से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कपड़ा उतारेंगे और एक फोटो लेंगे। अगर हमारी कोई बात लीक करने की कोशिश करेगी ना, तो हम लोग उसी टाइम तेरा फोटो वायरल कर देंगे। उसको देख के हजारों मर्द अपनी आंखें सेकेंगे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखा पाएगी। मेरी बात तेरे को मजाक लगती है क्या? डरवर नहीं लगता तेरे को? अरे बोलना, मैं क्या पूछ रहा हूँ? जवाब नहीं देगी? अरे बोल, तेरी जबान पे ताला लगा के रखा है क्या? नमस्ते बिग बॉस, व्लादिमीर नाम के इंपोर्टेड हैकर को जानते हो? ऊपर वाले की भक्ति के अलावा तुम्हारे हैकिंग सिस्टम की सेवा करता था, तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया और उसका लैपटॉप लेकर आया। ओह मेजर, ओह आई एम सॉरी एक्स मेजर, तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल सब कुछ भूल गए क्या? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, मुझ पर मेहरबानी करने वालों को कभी नहीं भूलता। और तुमने तो मेहरबानियों की बारिश ही कर दी है, तो तुम्हें कैसे भूल जाऊं? बहुत ब्रिलियंट हो तुम, टेक्नोलॉजी से दुनिया का डेटा चुरा लेते हो। पर क्या करूं, मैं भी मिलिट्री से हूं, आदमी के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालना जानता हूं। जब तक कि तुम सोचोगे उससे पहले ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह, जीनियस हो सर,
मैं जानता हूँ आप स्क्रीन देख रहे हो, जरा एक बार रिफ्रेश तो करना। कॉपी कैट। इसे कॉपी नहीं कहते हैं सर, ये एजुकेशन है। और ये गुरु ज्ञान हमें आप ही से मिला है। आपसे इतना कुछ सीखा है, एक डेमो दिखाऊं क्या? अभी आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए, पता है कौन से अकाउंट से आए थे? तमिलनाडु पुलिस अकाउंट का पैसा था। अब इस लैपटॉप से तुम्हारा नेटवर्क यूज किया गया और तुमने तमिलनाडु पुलिस की सैलरी चुरा ली। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सबकी सैलरी गुल हो गई है सर, और उनका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। साइबर सेल तो अब तक काम पर लग भी गया होगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग तुम्हें लगभग 3 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल है, पर भागने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है। You know something? अब तक सिर्फ मैं तुम्हें एक नंबर समझता था, पर अब तुम एक चेहरा बन चुके हो। मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, बट स्टिल आई लव यू। What is this nonsense? चोर पकड़ने की बजाय गेम खेल रहे हो? ये कैसे? मॉनिटर पे आई लव यू लिखा है। सर, पुलिस का पूरा सर्वर क्रैश हो गया। ये कैसे हुआ? आई लव यू वायरस। अगले 48 घंटे तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। आज अगर वो यहाँ से भाग गया तो दुनिया का कोई इंसान व्हाइट डेविल तक पहुंच नहीं पाएगा। किसी ने मेरे अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। शट डाउन द ट्रस्ट ऑफिस। एक एक रिकॉर्ड डिस्पोज कर दो, एक क्लू तक नहीं बचना चाहिए। सारे इलीगल फंड्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से निकाल के सर्वर फॉर्म पर ले आओ, जो 600 करोड़ से कम नहीं है। आज से मैं तुम्हें नहीं जानता। कार तुम्हारी हुई, व्हाइट डेविल इज गॉन। गुड लक। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। ओहो, तो हमारे चुराए पैसे यहां रखे हैं? क्या बॉस, मुझे आई लव यू कह के धोखा दे के भागने की तैयारी कर रहे हो? मेरा जवाब नहीं सुनोगे? आई लव यू टू। सोचा था तुम्हें ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जितना मुश्किल होगा, तुम तो मेरे झोली में आकर गिर गए। अपने आदमियों को ट्रस्ट का सारा पैसा रातों रात सर्वर फार्म पर लाने को बोल दिया। तुम्हें यकीन था कि मुझ जैसा मामूली आदमी तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। अनाड़ी की तरह सारे एविडेंस के साथ यहीं फंस गए व्हाइट डेविल। ये कबाड़ Y2K के दौरान खरीदा था ना, इन्हीं कंप्यूटर से मुझ जैसे लोगों को बर्बाद किया है। कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म होगी। WhatsApp पे पुलिस के साथ ये लोकेशन शेयर कर दिया है। They are expected anytime। तुम्हीं ने कहा था ना, इंसान को तभी उलझाओ जब उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जान जाओ, तो मैंने वही किया। हा। सुन, मेरी पावर, मेरी दौलत ये नहीं, ये है। मेरे पैसों को हाथ मत लगाना मेजर।
बहुत जल्द इससे कहीं ज्यादा कमा लूंगा। तुम्हें पता नहीं है मेरे हाथों में छपे हैं तुम जैसे हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। इसी तरह मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ लाखों लोगों के फिंगरप्रिंट्स मेरे पास स्टोर हैं। इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन किसे वोट देगा, मैं डिसाइड करूंगा। आई विल बी द किंग मेकर। इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें है। अरे ओए मिलिट्री, ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग देता था, खुद ही भूल गया? उधर देख, तेरे सारे सबूत स्वाहा हो गए। पुलिस, जलाने दे पुलिस को, इस सबूतों की विभूति को अपने चेहरे पर लगा लेंगे। क्या सर, हमेशा कहते हो ना इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत एक बार चेक तो कर लेते हैं। पुलिस तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा 420 का केस ठोकेगी। तुमने जिन्हें फंसाया है उन्हें जवाब कौन देगा? इसीलिए पुलिस के साथ साथ मैंने उन्हें बुलाया जिन्हें तुमने फंसाया था, जो तुम्हारी नजर में महज नंबर्स हैं। तुम्हारे फंसाए उन हजारों नंबर्स को अब मैंने एक चेहरा दिया है। तुम्हारे ट्रस्ट से मैसेज किया है कि उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। सब लोग बैंक की ओर दौड़े जहां उन्हें पता चला कि बैंक ने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। पैसा वहां है ही नहीं, पैसा कहीं और है। उनका गुस्सा बढ़ता गया और ठीक उसी वक्त व्हाट्सएप पर तुम्हारा लोकेशन भेजा। सब तुम्हारी खातिरदारी के लिए आए हैं। व्हाइट डेविल को कोई नहीं पहचानता, पर अमर ज्योति ट्रस्ट के ओनर सत्यमूर्ति को सब जानते हैं। चौंक गए? व्हाइट डेविल और सत्यमूर्ति दोनों एक ही इंसान है, यह मैं सबको बता चुका हूं। योर अकाउंट इज हैक्ड। तेरी तो मेजर अभिमन्यु, इस गेट को खोलना चाहते हो और यहां उन्हें क्या मिलेगा? पैसा चल चुका है, गुस्से में आकर क्या करेंगे, मुझे जान से मार देंगे ना। एक दिन मुझे भूल जाएंगे, तुम्हें भूल जाएंगे, याद रहेगा तो सिर्फ अपना हर महीने का ईएमआई भरना। इन सभी लोगों ने भी बैंक के साथ फ्रॉड किया है, इनकी भी चोरी पकड़ी जाएगी। यदि दरवाजा खोला तो 10,000 चोरों को पैदा करने का क्रेडिट मिलेगा। क्या ये सम्मान पाना चाहते हो? मुन्ना, नतीजे के बारे में एक बार फिर सोच ले। हाँ सही कह रहे हो, बाहर खड़ा हर एक इंसान लोन पाना चाहता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था, कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन अपनी भूख को भुलाकर अपने बिस्तर में पड़े बूढ़े बाप का इलाज करवाना चाहता है। और तुम उन्हें यकीन दिलाओगे कि झूठ बोलने से उनके सपने सच हो सकते हैं, तो वो झक मार के झूठ बोलेगा क्योंकि उसे लोन चाहिए। जिसे तुम चोरी समझ रहे हो ना, वो कोई क्राइम नहीं है। कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम लोन चुकाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि समाज मुझ जैसे ईमानदार लोगों से भरा पड़ा है। जिन रुपयों को तुमने जलाया वो उन लोगों का पैसा नहीं था, तुमने मिनिस्टर के साथ डील की थी। एक प्रिंट ही तो है, 600 करोड़ का सवाल है। वो फिंगरप्रिंट्स मेरे पास आ गए। बिना मेरे ऑथोराइजेशन के उन पैसों को कोई छू तक नहीं सकता।
ये चेक याद है? क्या वो ब्लैंक चेक अभी तक आपके पास है? हाँ रखा है। तुमने हमारा सिग्नेचर कॉपी करके पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने तुम्हारे डिजिटल सिग्नेचर को कॉपी करके पैसा वापस लाया। तुमने मुझसे कहा था तुम चोरी इसलिए करते हो क्योंकि तुम वैसा कर सकते हो। अब मेरी बारी है, मैं इस लोहे के दरवाजे को खोलूंगा क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं। अब बचकर दिखा। जोसेफ, सबका पैसा लौटा दो। आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। On your mark, get set.